कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। आज 10th April 2022। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। आई विल रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ आई कैनॉट से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एनी मोर, सो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर शहबाज शरीफ साहब टू काइंडली स्पीक ऑन दिस ओकेजन। जनाब चेयरमैन, जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाल्लाह ताला। ये इत्तेहाद इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाल्लाह ताला। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजार लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। ना मैं, ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई और, कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से जिद के दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मुशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नाबी चेयरमैन, पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। 10th April 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10th April 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़ियाउल हक के खिलाफ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ ले आई थी। आज 10th April 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10th April 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जुल्म फिर जुल्म है, भरता है फिर मिट जाता है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जी असद महमूद साहब, 2018 में पाकिस्तान पर कायम होने वाली गैर आइनी हुकुमरानी का खात्मा करके एक आइनी हुकुमरानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इस आज़म के साथ कि हम अपने मद्दे मुकाबिल के किसी फरीक को उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उसकी पार्टी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कि आए ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसके लिए जदोजहद करनी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जनाब चेयरमैन, ये लम्हा सिर्फ सूरत जश्न का नहीं है बल्कि मुकाम शुक्र का है। ये लम्हा इनाम से ज्यादा इम्तिहान है और दुआ कीजिए आज के इस लम्हे पर कि यहाँ पर आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो, बल्कि आम पाकिस्तानियों के नसीब मुकदर की तब्दीली भी कहलाए। अदम एतमाद की इस कामयाबी से जो आपको, हमको और जमहूरियत को एतमाद मिला है, ये एतमाद अब इस ऐवान की जिम्मेदारी है कि कौम को लड़ाए। एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो। एक ऐसा ऐवान देखें जहां पे खानदान नहीं बल्कि पाकिस्तान के 98% अवाम के नुमाइंदे असल नुमाइंदे यहां मौजूद हों। और जमहूरियत ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। खालिद हुसैन मक्सी साहब, बहुत मुझे खुशी है कि मैं आया तो बड़े अजीब तरीके से था सिलसिले में, मगर
हमने अपना बाप होने का हक अदा कर दिया आज बाप पार्टी ने, और जैसे हम सब साथियों ने कहा, हम बदला नहीं लेने आए, हम खिदमत करने आए, और अल्लाह हमें तौफीक ताकत देगा। शुक्रिया जी, मुबारक सब। सरदार अख्तर मेंगल साहब, आईने पाकिस्तान के मातहत ये ऐवान भी है, यहाँ की अदालतें भी हैं, यहाँ की अफवाज भी है, यहाँ की आम आवाम भी है, जो इकाइयाँ हैं उन सबको जोड़ के रखने वाला ये आईन है, और उस आईन की जिस अंदाज में और जिस तरीके से जग हसाई की गई है, तारीख तौराकों में सुनहरे अल्फाजों से नहीं बल्कि स्याह तरीन अल्फाजों से लिखी जाएगी। जो हुकूमत आज ख़त्म हुई है, इसके और गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा उसका तकब्बुर और उसका घमंड और उसका गुरूर जो इसको ले डूबा है। मोहसिन दावर साहब, कि वो तमाम सियासी कुव्वतें जो किसी न किसी भी शक्ल में बैसाखियों के इंतजार में और बैसाखियों के मदद से यहाँ पर आने की कोशिश करती हैं, उनका यही हाल होता है जो आज उनका हुआ। मेरे ख्याल में आज उन सब गैर जमहूरी सोच रखने वाले लोगों के लिए यह आज का दिन निशान इबरत है। ये पिछले 3.5-4 साल जिस तरीके से गुजरे, मीडिया के लिए यह दौर बदतरीन था। हमारे भाई हमारे बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से उनको हरास किया गया, इंसानी हकूक के हवाले से भी ये एक बदतरीन दौर था, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी ये एक स्याह तरीन दौर था। जिस तरीके से बगावत के मुकदमात धड़ाधड़ सियासी वर्कर्स पर बनाए गए, और जिस तरीके से मेरे ख्याल में आधी की अपोजिशन तो यहाँ पर इस वक्त भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होगी, जिस तरीके से इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस में इजाफा हुआ, और जिस तरीके से पश्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक तलबा को उठाया गया और लोगों को गायब किया गया, ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनके हल के लिए आवाम हमसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। और मैं एक और चीज़ का भी यहाँ पर इशारा करूँगा कि चेयरमैन साहब, सबसे ज़्यादा जो इशू हमें फेस करना होगा और वो दहशतगर्दी का है, और जिस तरीके से जिस स्पीड से जिस और यहाँ पर मैं चीखता रहा चिल्लाता रहा 3.5-4 साल किसी ने कान नहीं धरा, जिस स्पीड से दहशतगर्दी फैल रही है और आए दिन टारगेट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए भी वाज़ह पॉलिसी मुरतब करनी होगी, और उसमें वाज़ह पॉलिसी ये होगी कि हमारी हुकूमत हमारी रियासत किसी भी किस्म की मिलिटेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। ये भी कहूँगा कि मेरी उम्मीद है कि पुराने पाकिस्तान में अली वजीर साहब को कैद नहीं किया जाएगा और हनीफ पश्तीन साहब को भी कैद नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अमीर हैदर होती साहब, उस तरफ से सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उस तरफ से जमहूरियत को और जमहूरी निज़ाम को नाकाम साबित करने की कोशिश की गई। अमरीका मुर्दाबाद, अमरीका को नहीं मानते। जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता, काश जब ये जो बाइडन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता, काश जब ये IMF की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमने अपोजिशन से नहीं लड़ना, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा, और हम शुक्रिया अदा करते हैं आला अदलिया का जिसने आइन को बहाल किया। इन्होंने जब देखा कि तौहीन अदालत हम पे लगेगी, स्पीकर साहब ने इस्तीफा दिया और चेयरमैन साहब आपको ये जिम्मेदारी दी कि आप वोट करवाइए, इस जमहूरी अमल को ना रोकिए, अगर वो इसे रोकते तो शायद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। असलम भुतानी साहब का माइक खोलिए। बलूचिस्तान के अवाम बहुत दुखी हैं, बलूचिस्तान में बेतहाशा वसाइल हैं, सिर्फ एक रिकॉर्डिक और ग्वादर का गहरा समंदर लें तो वो पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब हमारे वसाइल जो हैं वो हमारे लिए मसाइल नहीं बनेंगे बल्कि वो हमारी खुशहाली और तरक्की के जामिन बनेंगे।